दोस्तों, यदि आप महिला हैं तो इस वीडियो को मत देखिएगा, यह आपके लिए नहीं है, या फिर बच्चे हैं तो भी आप इस वीडियो को मत देखिएगा, ठीक है। और इसमें कोई गंदी बात नहीं है, कुछ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आजकल जो बिजनेस है थोड़ा अलग होके है, ठीक है दोस्तों। आप इस तरीके से कभी देखे हैं, आपके जो हम लोग कच्चा जो पहनते हैं, अंडरवियर जो पहनते हैं, वो इस तरीके से कुछ सुबह हो जाता है, आप देखे होंगे। इसको हम स्वप्न दोष बोलते हैं। स्वप्न दोष के कारण हमारा जो शरीर का वीर्य है, जो वीर्य की शक्ति है, वो हमारे से दूर हो जाती है, निकल जाता है। ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, मतलब नॉर्मल प्रॉब्लम है, और इससे मतलब कोई बचा नहीं आज तक, ठीक है। हर किसी के साथ होता है, मतलब मुझे लगता है 100 में 90% लोगों के साथ तो ये होता ही होता होगा, ठीक है। मतलब रात को सोते हैं और सुबह इस तरीके से हो जाता है, कुछ सफ़ेद टाइप इस तरीके से दाग हो जाता है, ठीक है। यानी हमारे शरीर का जो वीर्य है वो निकल जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा मुझे शर्म आ रहा था इस वीडियोज़ को शूट करने में, लेकिन मैंने सोचा नहीं यार, ये ज़रूरी है, क्योंकि मेरे साथ 50-60 हज़ार लोग हैं, तो मैं कुछ बता सकता हूँ ऐसा जो इससे छुटकारा पा सकते हैं, वो भी एक दिन में। इस तरीके से वो प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ एक दिन में वो छुटकारा पा सकते हैं। मैं जानता हूँ कि मेरे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी लोग हैं, सब 25 और 34 साल के बीच के लोग हैं, कुछ 13 से 18 के बीच में हैं, ठीक है। कुछ 1-2% महिलाएं भी मेरे वीडियोज़ को देखती हैं। मेरा ये टॉपिक नहीं था, मेरा बिजनेस आइडिया था, लेकिन इस बारे में मुझे बात करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी नहीं, हम सबकी प्रॉब्लम है। और जानते हैं कि बिजनेस में हम क्यों नहीं सफल हो पाते हैं, क्या मकसद होता है, और किस कारण से हम फेल हो जाते हैं, आप जानते हैं नहीं जानते ना। आज इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि आप बहुत बड़ी गलती कर देंगे अगर इस चीज के बारे में यदि आप नहीं समझते हैं ना, तो बहुत बड़ी गलती कर देंगे, ठीक है। तो स्किप मत कीजिएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग एक इंसान है, और इंसान के पास एक दिल है। दिल है कि नहीं, आपके पास भी दिल होगा। तो अगर हमारे पास दिल है तो हमारा दिल भटकते रहता है, अलग अलग जगह पे जाता है, कुछ ऐसा देखता है, कुछ ऐसा उसके सामने आ जाती है, जिसके कारण वह रात को सोता है, उसके सपने में ही ये सब हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे छुटकारा बताने की, मतलब किस तरीके से आप इसको छुटकारा कर सकते हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं बताता हूँ कि इसकी मेन जड़ क्या है, आखिर ये पैदा कहाँ से होता है और क्यों ऐसे होता है। देखिए, सबसे जरूरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, हम मतलब मैं हूँ या फिर कोई भी है, ये वीडियोज़ मैं अपने अनुभव के अनुसार बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे अनुभव किया है, मैंने ऐसा देखा है, और ये सीक्रेट बात है। मतलब ऐसे लोग छुपाते हैं जैसे कि अगले को पता ही नहीं है, जबकि हर किसी को पता है, हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम होती है। आप जानते हैं एक बूंद वीर की कीमत क्या होती है, एक बूंद वीर की कीमत मतलब कि इतना होता है यार, कि जिसमें कि कोई चीज़ समा नहीं सकता, कोई चीज़ समा नहीं सकता, ठीक है। एक बूंद यानी 10 बूंद खून, आप समझ लीजिए कि हम कितना ज़्यादा वेस्ट किए जा रहे हैं, और इसी वजह से हमारा बिजनेस, हमारा दिमाग, हमारा शरीर ठीक नहीं रहता है। आप जानते हैं कि हम लोग मतलब एक फिट इंसान रहना चाहते हैं, और फिट रहते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें मैटर करता है, और ये जो गलतियाँ हम करते हैं, ठीक है, इसके वजह से हमारे जो है जीवन में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव होता है, ठीक है। और हम परेशान रहते हैं, हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाती है, एक तरह से बोल सकते हैं कि गुस्सा ज़्यादा आता है, ठीक है, शरीर में थकान रहता है, ऐसा हम फिट नहीं रहते हैं, है ना। ये जो बॉडी सॉडी है ये सब मतलब पूरे भरे नहीं रहते हैं, ऐसे लगता है ढीला ढाला इंसान, मतलब कुछ कहा ही नहीं यार, है ना। काफ़ी लोग होंगे जो मुझे ऐसे इस तरह का वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि मेरे रिलेटिव भी देखते होंगे जो मेरे आसपास रहते हैं, या फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो देख करके नाराज़ होंगे, कहेंगे यार ये क्या, ये बस यही रह गया है। लेकिन दोस्त, मैं आपको शर्माइएगा मत, ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, इससे छुटकारा आप 100% पाएंगे, मेरी बातों पे गौर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक संकल्प करना है। अब संकल्प बड़ी बड़ी चीज़ है, ये सबसे नहीं होता है, है ना। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये ज्ञान दे रहा है मेरे को, लेकिन पता नहीं ये करता होगा कि नहीं करता। लेकिन दोस्त, मैं आपको बताऊं कि मैं एकदम मतलब कि कंट्रोल में रहता हूं, कंट्रोल कर लेता हूं, हर चीज़ को बैलेंस बना के लेकर चलता हूं, ठीक है। आपसे भी बोलता हूं कि यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं, आज का आइडियाज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं वो भी बता दूंगा, लेकिन उससे ज़रूरी चीज़ है ये बताना, क्योंकि इसको समझेंगे तभी वो भी समझ पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम जो मोबाइल फ़ोन देखते हैं, मोबाइल फ़ोन में जो ब्राउज करते जाते हैं, ऊपर ब्राउज करते जाते हैं, है ना, उसमें पता नहीं चित्र ऐसे ऐसे फिगर ऐसे वीडियोस हमारी आंखों के सामने आती है, और वो हमें मतलब ना चाहते हुए भी इंसान विवश हो जाता है, और वो अपने आप ही हो जाता है, ठीक है।
कुछ करना नहीं होता, वो अपने आप ही हो जाता है, ठीक है। और बाकी ऐसे ऐसे चित्र हैं, ऐसे ऐसे गाने हैं, ऐसे ऐसे मतलब सब कुछ देखिए अपने माइंड में ही है यार, अपने माइंड में है। जहाँ तक मैंने अनुभव किया है ये सारी प्रॉब्लम अपने माइंड में है, अपने माइंड के जिस तरीके से आप सोचेंगे या फिर मैं सोचूंगा, जिस तरीके से हम सोचते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वहाँ गया था, मैं मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो ठीक वैसे ही हमारे साथ होता है। इसमें कौन सी वो है, जिस तरीके से हम सोचते हैं कि अच्छा मैंने उसको देखा था, मैं उस पार्क में गया था, वहाँ पे गया था, जिस तरीके से हम सोचते हैं उस तरीके से हमारे साथ एक्शन होता है। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अब मान जाइए, आप ये हमारी ज़िंदगी का सवाल है, इससे बड़ा कोई दौलत नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है। आप बिजनेस भी करके सफल भी हो जाते हैं ना, पैसा कमा करके क्या करेंगे आप, पैसा कमा करके क्या करेंगे अगर आपका शरीर ठीक नहीं है। आप उनसे पूछिए जिनके पास पैसा तो बहुत है बट उनके पास सेहत ही नहीं है, है ना। ऐसे दुबरल मरल मरियल सा लोग घूम रहे हैं, आपने देखा होगा, आप क्या सांस भी मौजूद रहते हैं ऐसे लोग जिनके पास धन दौलत तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन ये मतलब वो नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ है अपना सेहत पे अपना ध्यान दीजिए, एक शुद्ध और एक वीर्यवान बनिए। मेरा मतलब है कि इसको लिमिट के हिसाब से, अगर 15 दिन में एक बार होता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हफ्ते में 2 बार होता है तो सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसको मामूली सी आप समझते हैं, इंसान ऐसा है ना कि शर्म के मारे किसी से कुछ कहता भी नहीं और कुछ कह भी नहीं पाता है, क्योंकि सोचता है यार मैं कहूँगा तो अगले वाला क्या सोचेगा, ये सोचेगा अरे यार कितनी गंदी बात कर रहा है। बट ये गंदी नहीं है, आप जिनसे आप घबरा रहे हो, आप जिनसे शर्मा रहे हो, उसको पता है, उसको आज नहीं तो कल पता हो जाएगा, ठीक है। तो शर्माने वाली बात नहीं है, मैंने इस तरीके वीडियो शूट कर रहा हूँ। अब आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे, अरे ये तो क्या बोल दिया, ये बिरी की बात कर रहा है, ऐसी बात कर रहा है, लेकिन दोस्त सच्चाई यही है, सच्चाई से हम पीछे नहीं भाग सकते, सच्चाई को सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले गंदी वीडियोज़ जो देखते हैं, गंदी वीडियोज़ के चक्कर में रहते हैं, उसको आप आज से त्याग दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि किसी भी काम में, बिजनेस में ही नहीं सही, किसी भी काम में आप सफल होना चाहते हो, सबसे पहले आप इस काम को त्याग दीजिए। और दूसरा जो मैं इंपॉर्टेंट काम बता रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा कि कभी भी अपने नज़र को कंट्रोल में रखिएगा, ठीक है, अपने नज़र को कंट्रोल में रखिएगा। ऐसा ऐसे गंदी चीज़ आप देखिएगा ही मत, क्योंकि यही हमारी शक्ति है, यही हमारे जीवन, इसी से हम आध्यात्मिक मतलब शक्ति पा सकते हैं। इसी से ही आपने भी देखा होगा जो ऋषि मुनि पहले के होते थे वो इसी तरह से तप और ये सब करके मतलब काफ़ी ज़्यादा चले गए, और हम लोग आजकल पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं, है ना, लगे हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो शायद मैं आपको समझा पाया हूँ कि इसका एक ही उपाय है कि अपना मानसिक संतुलन जो है, जिससे कि हम नज़र बोलते हैं, दिमाग बोलते हैं, उसको आपको ठीक रखना होगा। बाकी ऐसी चीज़ें चित्र विचित्र आपको नहीं देखना होगा, ठीक है। यदि आपको ये हो सके तो कीजिएगा, मैं यही कहूँगा कि आप कीजिएगा, देखिएगा उसको करके 2-3 महीना काफ़ी ज़्यादा शक्ति मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, दिन भर पॉजिटिव रहेंगे और फटाफट आपकी बोली निकलेगी, आप बोल पाएंगे, ठीक है। अब चलिए मैं काम की बात बताता हूँ कि आपका जो बिजनेस आइडियाज़ क्या है। मैं ये इस अंडरवियर के ही बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ। आप चाहें तो ऐसे गाँव में या फिर शहरों में रहते हैं जो खुले वाले अंडरवियर हैं वो लोग पहनते हैं ज़्यादातर गांव और शहर में, तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि उसको सिलाई करके, मतलब सिलाई आती है तो, या फिर कहीं सिलवा करके उसको सेल करवा सकते हैं, या फिर ये जो बनी हुई अंडरवियर आती है इसको भी आप चाहें तो सेल करवा सकते हैं, ठीक है। अब ये अंडरवियर ही बिजनेस क्यों है, क्योंकि अंडरवियर इस तरीके से कोई बेचता नहीं है, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अंडरवियर खरीदने में शर्माते हैं, सोचते हैं अरे अंडरवियर खरीदूंगा क्या बोलूंगा कैसे बोलूंगा। अभी नवे नवे लड़कों को मैंने देखा है काफ़ी जगह पर, जहाँ पर लोग जाते हैं, लड़के जाते हैं और कहते हैं कि सर अंडरवियर चाहिए, इतने घबरा करके शर्मा करके बोलते हैं जैसे कि उन्होंने क्या ऐसी चीज़ मांग ली है जैसे कि दुकानदार को पता ही नहीं है, जबकि उसके पास 100 कस्टमर डेली आते हैं और जाते हैं, ठीक है। तो बस यही था कि आप अंडरवियर सेल करके बेच सकते हैं चाहे तो, या फिर खरीद करके होलसेल से मंगा करके इसको सेल करवा सकते हैं, मतलब केवल अंडरवियर ही बेच सकते हैं, इसमें क्या बड़ी बुराई है, ठीक है। तो ये आइडिया मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और इस चीज़ से पहले मुझे ये दिमाग में आया कि सबसे पहले ये जो स्वप्न दोष बोलते हैं इसको ठीक करना जरूरी है, अगर ये ठीक हो गया तो वो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। और बिजनेस को आप किसी भी तरीके से कर लेंगे यार, कोई भी कुछ भी करके कर सकता है, ठीक है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिजनेस इंसान कर जाएगा। आज फेल हो रहा है कल और फेल होगा लेकिन परसों बहुत शानदार होगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैं भी इसी तरीके से ग्रो हो रहा हूँ, या फिर कोई भी दुनिया में इसी तरीके से ग्रो होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने समझा पाया है और अच्छी तरह से आप समझ चुके हैं। अगर अभी भी नहीं समझा तो मुझे कमेंट में आप मुझे बताइएगा, ठीक है। मैं आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आज से गंदी चीज़ें ये सब छोड़ दीजिएगा। यदि आप शादीशुदा हैं तो भी आप अपने आप को सेहत पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और शादीशुदा हैं तो भी आप अपना मतलब इन्जॉय कीजिएगा, बट समझ समझ के, समय समय पर, ठीक है। थैंक यू।